हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे तख्त ए ताउस के बारे में, यानी मयूर सिंहासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन एक मुग़ल शासन काल का एक फेमस सिंहासन था, जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, जो शाहजहाँ के बैठने का सिंहासन था। इसे मोर की नाचती हुई आकृति बनाया गया था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। अरबी लैंग्वेज में मोर को ताउस बोला जाता है, इसी वजह से तख्त ए ताउस कहा गया। मयूर सिंहासन को बनाने में लगभग 7 वर्ष लगे थे और जिसे हजारों कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ये पूरा सिंहासन सोने से बनाया गया था और इसमें कई सारे रत्न और सच्चे मोती का भी यूज किया गया था। मयूर सिंहासन की साइज 13 गज लंबा और 13 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। इस सिंहासन को बनवाने में लगभग 2 करोड़ की लागत लगे थे। मयूर सिंहासन बैठने के स्थान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां के कई सारे रत्नों से बनाए गए थे और इसमें कई सारे खंभे भी, जिस पर दो दो मोर की जोड़े नृत्य करते हुए बनाए गए थे, और मोरों के पंखों में रंग बिरंगे मोती और हीरे का यूज किया गया था। कहा जाता है कि ये मयूर सिंहासन देखने में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत था। पहले तो आगरा के किले पर था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाया गया। कहा जाता है शेर शाह को इस सिंहासन पर कुछ दिन बैठने के बाद शेर शाह के छोटे बेटे औरंगजेब आलमगीर ने इस सिंहासन को अपने कब्जे में कर लिया और अपने बाप शाहजहाँ की ज़िंदगी में कुर्व्यवहार और अत्याचार करता रहा। औरंगजेब के इस अत्याचार की वजह से इस शासनकाल का पतन काल सिद्ध हुआ। औरंगजेब के बाद इस राज्य में राज्य अधिकारी मोहम्मद शाह रंगीला हुआ और फिर ईरान के नादिर शाह ने इस राज्य पर हमला कर सारे हीरे और जवाहरात और इसके साथ साथ तख्त ए ताउस को भी ले गया। तो उसके बाद नादिर शाह के ख़ानदान के ही कुछ लोगों ने नादिर शाह पर हमला बोल दिया और उससे सारे हीरे जवाहरात और तख्त ए ताउस के तोड़ फोड़ कर सारे हीरे और स्वर्ण ले लिए। इसी तरह इस जाहिल और मक्कार दुनिया में इतने सुंदर मयूर सिंहासन का कोई अता पता ही नहीं चला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।